हमारे देश में पत्रकारिता संविधान का चौथा अंग है जो हमारे समाज में उठने वाले मुद्दों को समाज के लोगों तक लाते हैं। लेकिन जब समाज में होने वाले गलत मुद्दों पर पत्रकार सवाल खड़े करता है तो उन पर ही उंगली उठने लगती है, मारने की धमकी तक दी जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बेहतर समाज के लिए पत्रकार अपना काम करते रहते हैं और कुछ इसी तरह का मामला मशहूर टीवी एंकर अमन चोपड़ा के साथ देखने को मिल रहा है। अमन चोपड़ा ने अपने शो देश नहीं झुकने दूंगा में हनुमान जयंती के दिन हुए जहांगीरपुरी दंगे और राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर को लेकर शो किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक वर्ग लगातार अमन चोपड़ा को घेर रहा था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यहां तक भी कह दिया था कि देश में सांप्रदायिक हालत बहुत ही गंभीर है और अमन के शो से लोग भड़क रहे हैं, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल 16 अप्रैल को जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में पथराव हुआ और फिर वहां बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाए गए तो अमन चोपड़ा ने उस पर भी एक शो किया था। इससे पहले वह कांग्रेस सरकारों पर सवाल उठाने की वजह से निशाने पर थे। वहीं जब अलवर में शिव मंदिर को तोड़ा गया तो अमन ने अपने शो में इसे जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ के बदले के तौर पर लिया, जिसके बाद उनके खिलाफ राजस्थान में 3 केस दर्ज किए गए। यहां यह भी समझने वाली बात है कि अमन चोपड़ा पर राजस्थान में ही क्यों FIR दर्ज की गई है। अगर अमन गलत होते तो पूरे देश में ही इसे लेकर FIR दर्ज की जाती। लेकिन हम आपको बता दें कि अमन चोपड़ा ने राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने का मुद्दा उठाया। जाहिर तौर पर यह बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनको तो कोई ऐसा पत्रकार चाहिए जो उनके द्वारा मंदिर तोड़े जाने पर उनकी वाहवाही करे। उन्हें दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई गलत लग रही थी, वो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर पर जब कोई पत्रकार आवाज उठा रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। आपको इस FIR के पीछे की राजनीति समझने की जरूरत है। साथ ही आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।